ये देखिए जी, रात का टाइम है, बना रही हूँ, रात का खाना भी बनाने की प्रिपरेशन हो रही है, साथ में ये गाजर का हलवा बन रहा है। मैंने ना एक से डेढ़ करछी देसी घी डाला था और उसमें इसको मैं 15-20 मिनट हो गए भूनते हुए। ये देखिए 15-20 मिनट हो गए भूनते हुए, मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। ये देखो सौंधी खुशबू आ रही है, आराम से इसमें होता रहेगा। राइस कुकर निकाला ना, इसमें धीरे धीरे पकता रहेगा, इसका साइज भी बड़ा है। तो मैं इसमें दूध डाल लेती हूँ अभी, और इधर मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ, तड़का ये सारा धो के ले आई हूँ सामान, मिक्स दाल बना रही हूँ। इसमें दूध डाल देती हूँ, लोटा भर के दूध डाल रही हूँ, बड़ा लोटा है मेरा, पहले इतना ही डालती हूँ, ज़रूरत होगी तो फिर और डालूँगी। वैसे खोया भी है मेरे पास, तो मुझे खोए में बनाना है इसको, बस इतना ही दूध बहुत है, मेरे को लगता नहीं मेरे को और डालना चाहिए। वो पता क्यों? क्योंकि खोए से बनाना है मुझे इसको, खोया मेरे पास है, ला रखा है मैंने। अब इसको धीरे धीरे खोलें दो इसके अंदर, जब ये पूरा सूख जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी गुड़ या शक्कर, दोनों में से एक चीज़ डालूँगी, ठीक है। इसका दूध सूखने दो, बीच बीच में कड़छी चलाती रहूँगी और साथ में दूसरे काम भी चलते रहेंगे, रात का खाना बनाने का काम भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको ढक्कन लगा देते हैं, आराम से होता रहेगा धीरे धीरे, तब तक हम खाने की। ये देखिए मेरी खिचड़ी पड़ी थी, मैंने इसको गर्म कर लिया है, थोड़ा पानी डाल के रात को खा के ख़त्म करनी है, ठीक है। ये खिचड़ी हो गई गर्म, इसको थोड़ा ऊपर करो, ठीक है। और क्या क्या बनाया है मैं भी दिखाती हूँ आपको। इधर मेरे ब्राउन राइस बन रहे हैं, वाइट राइस ख़त्म हो गए थे तब ब्राउन बन रहे हैं। इधर क्या बन रहा है, इधर मेरी दाल बन चुकी है, ये देखिएगा बच्चे खाएंगे दाल के साथ ब्राउन राइस। और हम सारी चीज़ें लेंगे, मतलब ब्राउन राइस भी लेंगे और ये भी लेंगे और ये खिचड़ी भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। और अब आगे दिखाती हूँ, इसका हालचाल दिखा देते हैं, इसका क्या हो गया, जैसे बहुत देर हो गई पकते हुए, कि अपनी रफ्तार से धीरे धीरे पक रहा है। दूध डल चुका था ना, दूध का बस थोड़ा सा रह गया, ये पता क्वांटिटी क्यों कम रह गई है, आधा रह गया। ये क्वांटिटी इसलिए कम हो गई कि बच्चों ने कहा कि बना क्यों रहे हो, हमने तो खाना नहीं, गाजर का हलवा। अब मैं कहा मेरे पापा तो खा लेंगे, पर ये भी बच्चे टेस्ट तो कर लेंगे, पर ज़्यादा नहीं खाने वाले। फिर उन्होंने क्या किया, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, कहते थे वो आपने बना रखी ना गाजर खसी थी, तो हमें गाजर वाला दूध चाहिए था, तो मैंने इनको बोल दिया इसमें अभी कुछ नहीं डाला है, चीनी भी नहीं कुछ नहीं डाली, तुम एक काम करो अपने लिए निकाल लो। इन्होंने ढूंगा भर के निकाल लिया, तो निकालने की वजह से क्या कि अब वो गाजर जब भी इन्हें दूध पीना होगा उसमें से थोड़ी सी गाजर वाला दूध भी डालेंगे, थोड़ा दूसरा दूध डालेंगे, आराम से पी लिया करेंगे। तो उन्होंने अपना निकाल के अलग कर लिया है, और मैं डाल लूँ इसके अंदर गुड़, ठीक है। कम पड़ गया तो बाद में और डाल दूँगी, अभी गुड़ डाल देते हैं ना। अब मैं ना उसे एक काम गौर करें, खाना तो बन ही गया है बस, एक तरह से चावलों को सीटियाँ बज रही हैं, ये अपना पिघल जाएगा इसके अंदर। तब तक मैं क्या करती हूँ, ये जो खोया है ना इसको भी छोटा छोटा कर लेती है, सारा नहीं डालना मैंने, ये जो खोया है सारा नहीं डालना मुझे, इसको आधा ही डालूँगी, आधा किसी और रेसिपी में यूज़ करूँगी, ठीक है। चलिए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं क्या हाल चाल है, बीच में ना कटकी छड़ी थोड़ी देर फेरनी पड़ती है इसमें, क्या हाल चाल है। इसका पानी बिल्कुल सूखने ही वाला है बिल्कुल, मेरा ये गाजर का हलवा बनने ही वाला है। मैं इसमें जल्दी से ये जो ये है मेरा क्या कहते हैं इसको, खोया डाल देती हूँ, ताकि ये पिघल के इसके साथ ही मिक्स हो जाए। बस ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं, ठीक है, इसको होने दो। थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, देख रहे हैं ना, इसको होने देते हैं थोड़ा, तब तक मैं ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। ये बड़े ड्राई फ्रूट, ये रहे ड्राई फ्रूट, ये भी काट के मैं छोटी कटोरी में डाल लेती हूँ, ठीक है। तो चलो ये वाला काम भी कर लें। मैंने कुकर कर दिया है बंद, क्योंकि पानी काफ़ी सूख ही गया है, और ये तो काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। ये देखिए सारा पानी सूख गया, जरा सा रह गया, और ये खुद ही इतना गर्म रहता है, ये बाकी का सूख ही जाएगा। ये मेरे ड्राई फ्रूट काट लिए, ड्राई फ्रूट चलो डाल देते हैं, किशमिश भी डालें, ठीक है। अब इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत काफ़ी देर गर्म रहता है ना, तो इसका जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है वो भी सूख जाएगा। तो ये मेरे बन गया है गाजर का हलवा। उधर मैंने ब्राउन राइस भी बंद कर दी है गैस, वो जिसको टाइम ज़्यादा लगता है पकने में ब्राउन राइस है ना, अगर वो कच्चे रह जाए तो उसमें दिक्कत होती है, उसको ऐसे राजमा की तरह ही पकाना पड़ता है, ठीक है। हो गया ना, बढ़िया बन गया। चलिए इसको मैंने थोड़ा सा व्यूअर्स, आज है 1 तारीख, देखिए गैस चला रखे स्लो पे, मसाले तैयार हैं। ये हमारा है, आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी। मैंने इसको मैक्रोनी को उबाल लिया है, उबालने के बाद इसको छान के ठंडे पानी से निकाल लिया है, काफ़ी क्वांटिटी में है, क्योंकि दोपहर के खाने में बनेंगे। कल मतलब मैं रात को बनाने वाली थी,
और बच्चों ने बोला रात को जंक ना बनाया जाए, दिन में बना दिया जाए, तो मैंने आज फिर बना दिया। फिर ब्रोकली काट के रखे ढेर सारी, प्याज है बीच में, हरा प्याज भी है, लाल मिर्च, हरी मिर्च बड़ी वाली वो भी काट रखी है। ये मेरा पालक वाला वो है जो पालक बनाई थी ना मैंने, वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी है गाजर और आलू, ये है टमाटर और लाल वाली चटनी, ये है हमारी ये क्या कहते हैं ये बढ़िया, ठीक है। हमें पास्ता मसाला भी है, वो स्वाति ने निकाल के दिया कि मम्मी वो भी डाल देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, गैस चला दी है, चलो स्टार्ट कर देते हैं बनाना। पहले हम लोग देखते हैं ये सूख गया कि नहीं, पानी सूख गया क्योंकि उसको थोड़ा पानी तो मैं धो ही लेती हूँ, ठीक है। अब हम इसमें 2-3 चम्मच डालते हैं घी, डाल दिया थोड़ा सा मैंने। सबसे पहले तो हम जीरा ही डालेंगे, जीरे का फ्लेवर अच्छा लगता है, मैं तो बाकी मसाले भी डाल ही लेती हूँ, गैस स्लो करनी पड़ेगी कि मसाले ही ना जल जाएँ। नमक पहले मैं डाल लेती हूँ, काफ़ी सारी बनानी है मुझे, अंदाजे से डाल लिया नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि वो जो मैंने डाली थी वो बड़ी वाली लाल मिर्च थी और बड़ी वाली वो कड़वी नहीं होती, तो ये थोड़ा सी लाल मिर्च। बाकी हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ग्रीन कलर की बनाऊँगी, गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये मेरे मसाले नॉर्मल जो मसाले हैं वो डल गए हैं, बाकी मैगी वो वाला मसाला पास्ता वाला मैं बाद में डालती हूँ, ठीक है। हल्दी नहीं डाली है, ठीक है। अब हम इसमें तड़का डाल देते हैं, वाला पहले इसको भून लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से भून जाएगा। अब गैस तेज कर देते हैं, जो मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे ना, लो जी इसको अच्छे से हम भूनते हैं पहले, फिर मिलते हैं। और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, नमक पहले ही डाला हुआ है तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ इसमें ना ये पास्ता मसाला भी डाल देते हैं ताकि इसके बीच में रस बस जाए, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करती हूँ, साथ ही तो कहती 2 पैकेट डालना पर मसाले के बाद मैं एक ही डाल दूँगी, कम लगेगा तो बाद में देख लूँगी, पहले 2 मिनट डालने चाहिए ना, ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा करती हूँ थोड़ा सा चीज़ें भी हो, सारी सब्जियाँ डाल दी मैंने, थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है, 1-2 सॉस भी डाल दिए हैं, ठीक है, और 1 पैकेट वो वाला मसाला भी डाल दिया ताकि सब कुछ रस बस जाए। और देखिए इसमें पानी की क्वांटिटी दिख रही है ना आपको, ये देखिए इसलिए डाला कि सब्जियाँ अच्छे से गल जाए। तब तक मैं इसको क्या करती हूँ, ढक के 5 मिनट पका लेती हूँ, देखिए ढक के 5 मिनट पका लेते हैं, तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। इसकी कंडीशन दिखा देते हैं, सब्जियाँ गल गई थी तो मैंने इसमें पालक भी मिला दी, वो जो 1 कटोरी पालक थी ना मेरे पास वो वाली भी मिला दी मैंने। अगर ऐसे कोई हरी सब्जी ग्राइंड करके रखी हो तो बड़ी काम आती है, चाहे चावलों में ऐड करो, चाहे आटे में ऐड करो, चाहे इसमें करो। बस ये सब्जियाँ गल गई हैं, मैं सोच रही हूँ अब इसमें मैकरोनी ऐड कर लेते हैं, चलो डालते हैं मैकरोनी। मैकरोनी मेरी तैयार है, इसमें मैंने ना 1/2 पैकेट और डाला था मसाला, पास्ता मसाला, बच्चों को टेस्ट कराई थी, हल्का सा नमक और डाला 1/2 चम्मच के करीब, और बस थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सी वही डाल, बस दो ही चीज़ें डाली और तो कुछ नहीं डाला। मैं कहा बच्चों को पूछ लेते हैं ना भाई, खाने तो उन्होंने ही होती है। अब मैं डाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ, इतनी सारी देखो ये बन गई है और ये इतनी बच भी गई है, इसको मैं छोटे बर्तन निकाल के फ्रिज में रखती हूँ, इसको कल बना लेंगे दोबारा से, ठीक है। इसकी ना ये जो बची हुई है इसकी वो भी बन सकती है, इसकी चाट भी बन सकती है, और इसको वाइट सॉस वाली मैकरोनी भी बन सकती है, जो मर्ज़ी आप बनाना चाहो जैसे मर्जी यूज़ कर लो। चलो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और सर्व कर देती हूँ। मैं तो अपनी इंजॉय करती हूँ क्योंकि ना मैंने कनिसाती को तो दे आई हूँ, कनिका खा नहीं रही, कह रही मैं नहाने जा रही हूँ, पानी गर्म कर रखा है, और के पापा गए हैं हॉस्पिटल 1:30 बजे के, आने वाले हैं, आएंगे तो उनको भी दे दूँगी, थोड़ी देर में फिजियोथेरेपिस्ट भी आने वाला है, उससे पहले पहले मैं खा लेती हूँ, ठीक है। कई दिन से मेरा ना 3-4 दिन से मन कर रहा था मैकरोनी बनाने का, पहले हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार बनाया करते थे, तो काफ़ी टाइम हो गया। अरे इसमें मैं पनीर डालना ही भूल गई, चलो कोई नहीं, सब्जियाँ तो काफ़ी सारी डाली है ना, चलो इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आप। रात का समय, मैं रात का डिनर ही बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, रोटी के साथ मैंने ये वाली सब्जी बनाई है, ये हल्की सी कच्ची लग रही थी तो इसको मैंने स्लो गैस पे रख दिया है। तो ये है हमारी, ये देख लीजिए, मटर है, आलू है और घी है, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने ऐसे परस करके इसके ग्रेवी को और गाढ़ा कर लिया, इस तरह कर करके बहुत टेस्टी बनी है, ठीक है। तड़का सारा मैंने ग्राइंड ही किया था मिक्सी में, तभी इसका कलर इस तरह से आया है, ये देखिए। इसको जितना मिक्स कर लेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी स्वाद लगेगी। थोड़ा मैंने ना हल्का सा कच्चापन था तो मैंने ऐसे रख दिए। मैं रोटी बना रही, रोटी में ना किसकी बना रही हूँ, आटा देखो कौन सा कलर है। मेरे पास सामिया का आटा पड़ा था 1 छोटा पैकेट, मैंने वो पूरा पैकेट
साथ में मेरे पास दो तीन तरह का मिक्स आटा था, एक रागी का था मेरे ख्याल से और एक चने का आटा था, एक आटा और था, तीन आटे मतलब मिक्स वाले थे और एक सामियक का आटा। इन सबको मिला के मैंने जो है ये आटा गूंदा है। ये ना रोटी मक्की की रोटी की तरह बन रही है, जैसे मक्की की रोटी बनती है, क्योंकि इसमें करते हैं हमें टूट रही है, तो हाथ से जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं ना, मैं वैसे ही बना रही हूँ। और इस पर घी लगा दिया मैंने, मेरे ख्याल से मुझे इसको पलट देना चाहिए। हाँ देखो आराम से उतर जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब हल्की सी पक जाए ना फिर ये आराम से उतर जाती है। ये देखो ये भी पक गई ना, कच्ची को करोगे तो टूटेगी, मक्की की रोटी की तरह बन रही है। ठीक है देखो इसका कलर है। अब तीन तीन रोटी एक साथ ही बना रही हूँ, अभी दो डालनी है और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बर्तन कितने सारे धुले पड़े हैं, ढेर बर्तन। रोटियाँ दिखाती हूँ, नौ बन गई हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए रोटियाँ इस तरह की बन गई हैं, कलर देखो इसका इस तरह की, नौ रोटियाँ बन गई हैं टोटल। नहीं ये छोटी छोटी रोटियाँ ना, ये ज़्यादा बनेंगी, 16-17 रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। राजमा लेकर आए थे आज, पता नहीं कितने के लाए, पर मुझे वाले चित्रा राजमा पसंद नहीं है, लाल वाले राजमा अच्छे लगते हैं। राजमा भी तो तीन तरह के होते हैं ना, कि ये चित्रा जो है ये राजमा, एक लाल राजमा, एक और होते हैं जम्मू वाले राजमा। ठीक है तो चलो मैं रोटी बना ही लेती हूँ पहले, 16-17 बननी है, 17-18 तक।